भारत 24 की टीम लगातार 19 घंटों से चल रहे रेस्क्यू के साथ में मौजूद है। यहाँ पर जो है 5 से 6 पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन के द्वारा लगातार 19 घंटों से जो खुदाई चल रही है। यहाँ पर बात करें सृष्टि की, जो कल 1:30 बजे के लगभग जो बोरवेल के अंदर गिर गई थी, जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आया और उन्होंने यहाँ पर खुदाई प्रारंभ की। लेकिन रात भर से चल रही और अभी सुबह तक जो चल रही खुदाई में जगह जगह रेस्क्यू टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जो है सृष्टि 29 से 30 फीट के नीचे थी, लेकिन अब जहां गड्ढा खोदा जा रहा है उसकी धमक के कारण अब लगभग 50 फीट से नीचे वो पहुंच चुकी है। रेस्क्यू टीम द्वारा हेकड़ी बनाकर वायरों के द्वारा उसको सृष्टि को निकालने की, हुकों के द्वारा निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन देखने वाली बात रही कि उसमें सृष्टि नहीं फंस पाई और लगातार जो 19 घंटों की खुदाई के बाद में यहाँ पर गड्ढा के अंदर धमक के कारण जो है सृष्टि नीचे जा रही थी, जिसकी वजह से अब जो है रेस्क्यू टीम द्वारा 5 फीट दूर पर फिर से एक नया गड्ढा खोदा जा रहा था। लगभग जो है 19 घंटों की खुदाई पर जब 30 फीट गड्ढा हुआ था, लेकिन उस गड्ढे के कारण जो है सृष्टि धीरे धीरे नीचे सरकती हुई जा रही थी, जिसके कारण जो रेस्क्यू टीम को जो है अपना प्लान चेंज करना पड़ा और अब जो है 5 फीट दूरी पर फिर से एक नया गड्ढा खोदा जा रहा है। और जो है कैमरे के द्वारा और ऑक्सीजन आप सिलेंडर देख सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दी जा रही है। कैमरे के द्वारा भी जो है सृष्टि पर नज़र अपनी बनाई रखी गई हुई है, लेकिन लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, सृष्टि के शरीर के अंदर कोई भी हलचल मौजूद नहीं हो पाई है। और यहाँ पर जिला प्रशासन और यहाँ SP कलेक्टर और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सृष्टि को जो है बचाने के कार्य जो है उसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण भी हैं, ग्रामीण भी यहाँ पर प्रार्थनाओं का दौर कर रहे हैं कि जल्दी से सृष्टि को बाहर निकाला जा सके। परिजनों का भी जो है रो रो कर बुरा हाल है। भारत 24 TV से धर्मेंद्र राय, सीहोर।